नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं वन इंडिया। विवेक ओबेरॉय एक बेहतरीन भारतीय अभिनेता हैं। वो वेटरन एक्टर सुरेश ओबेरॉय के बेटे हैं और इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान रखते हैं। आइए आपको बताते हैं विवेक ओबेरॉय से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ। विवेक ओबेरॉय का जन्म 3 सितंबर 1976 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम सुरेश ओबेरॉय है, जो बॉलीवुड के वेटरन अभिनेता हैं। उनकी मां का नाम यशोदरा ओबेरॉय है। विवेक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद पब्लिक स्कूल हैदराबाद से की थी। इसके बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मेयो अजमेर चले गए। फिल्मी परिवार के होने की वजह से उनकी एक्टिंग में काफी दिलचस्पी थी और उसके लिए वो बारीकियां सीखने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। विवेक ओबेरॉय की शादी प्रियंका अलवा से हुई है। वो कर्नाटक के मंत्री जीवराज अलवा की बेटी हैं। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा विवान और बेटी अमाया। विवेक ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और ये फिल्म बेहतरीन थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। विवेक को इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसके बाद उन्होंने रोड, डीएम जैसी बेहतरीन फिल्मों में एक्टिंग की। साल 2002 में विवेक शाद अली निर्देशित फिल्म साथिया में रानी मुखर्जी के ऑपोजिट नजर आए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय बेहद पसंद किए गए। उसके बाद उनकी कॉमेडी फिल्म मस्ती भी बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उनके अलावा रितेश देशमुख, आफ्ताब शिवदासानी और लारा दत्ता नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने युवा और द किस्ना जैसी फिल्में की जो दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी इसमें विवेक की काफ़ी तारीफ हुई। साल 2006 में विवेक फिल्म ओंकारा में केशु की भूमिका में नजर आए और इसमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। आलोचकों ने उनके अभिनय की काफ़ी प्रशंसा की। इसके बाद वो एक सच्ची घटना पर आधारित शूट आउट एट लोखंडवाला में एक गैंगस्टर की भूमिका में दिखाई दिए और ये फिल्म बेहतरीन साबित हुई और इसमें उनकी एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। 2013 में विवेक ने फिल्म क्रश 3 में बेहतरीन अभिनय से दर्शकों और आलोचकों को अपना दीवाना बना दिया। विवेक एक फिल्म के लिए करीब 3 से 4 करोड़ की फीस लेते हैं। विवेक ओबेरॉय का अपना प्रोडक्शन हाउस भी है। खबरों की माने तो विवेक के पास लगभग 1 करोड़ 40 डॉलर की संपत्ति है, यानी लगभग 90 करोड़ रुपए हैं। विवेक ओबेरॉय की अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की इस कंपनी ने पिछले साल महाराष्ट्र के शाहपुर में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके तहत करीब 15,000 से ज़्यादा परिवारों के 7,90,000 रुपये की कीमत में घर देना था। माना जाता है कि कंपनी का प्लान अगले 3 साल में अपने टारगेट को बढ़ाकर 5 लाख करना है। मीडिया खबरों की माने तो विवेक ने बहुत से स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें से ज़्यादातर हेल्थ केयर और एजुकेशन से जुड़े हैं। विवेक और प्रियंका के दो बच्चे हैं, एक विवान जिसका जन्म फरवरी 2013 में हुआ था और बेटी अमया जिसका जन्म अप्रैल 2015 में हुआ। विवेक और ऐश्वर्या के लव के किस्से बॉलीवुड गलियारों में काफी फेमस हुए। ऐश के सलमान से दूरियों के बाद उनकी जिंदगी में एंट्री हुई विवेक ओबेरॉय की। सलमान से परेशान हो चुकी ऐश्वर्या को विवेक का साथ अच्छा लगता था। दोनों ने फिल्म क्यों हो गया है ना में काम करते वक्त एक दूसरे के लिए प्यार महसूस किया। यहाँ तक कि ऐश के 30वें जन्मदिन पर विवेक ने उन्हें 30 गिफ्ट भी दिए थे, ऐसा सोर्सेस बताते हैं। हालांकि ऐश ने खुलकर कभी नहीं कहा कि वो विवेक के साथ रिश्ते में हैं, लेकिन वो अक्सर हर फंक्शन में उनके साथ नजर आती थीं, जिससे साफ था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ऐसे में विवेक के उस एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। विवेक चाहते थे कि बुरे वक्त से गुजर रही ऐश के लिए वो हमेशा हाजिर रहें, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। विवेक ने एक होटल के कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और खुलासा किया कि उन्हें सलमान की तरफ से जान से मारने की धमकी भरे फोन आ रहे हैं। बस इस कॉन्फ्रेंस ने किसी का भला करने के बजाय विवेक का ही सब कुछ छीन लिया। किस्मत देखिए कि जिसके लिए विवेक ने इतना बड़ा कदम उठाया उसने भी उनका साथ छोड़ दिया। ऐश्वर्या ने बाद में साफ कर दिया कि इन सब से उनका कोई लेना देना नहीं और धीरे धीरे उन्होंने विवेक से दूरी बना ली। ऐश्वर्या के साथ साथ विवेक के हाथों से भी फिल्म के ऑफर निकलते चले गए। विवेक ने शायद अगर ये गलती ना की होती तो उनका करियर भी संवर जाता। शायद यही वजह है कि विवेक और सलमान के रिश्ते अब भी ठीक नहीं है। विवेक ओबेरॉय एक ऐसे एक्टर हैं जिनके नाम भले ही फिल्म में कम हो, लेकिन यकीनन एक्टिंग में उनका जवाब नहीं। तो ये है विवेक ओबेरॉय की अनसुनी कहानियाँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।